सुबह सुबह दा टाइम आ ते बच्चे जेड़े ओ स्कूल वास्ते तैयार हो रहे ने ते देखो अपना तैयारी शैयारी करते पे ने। अतन भी उमार भी अपने बैग चेक करते पे ने। इधर बेगम साहिबा जेड़ी आ ओ पराठे बना रही है, नाश्ता तैयार करती पई है बच्चों वास्ते। जी जो एक पराठा मेरे वास्ते है, एक अदन वास्ते, एक उमार वास्ते आ, ते फिर इन्हां दे स्कूल वास्ते लंच भी तैयार करना, वह भी तैयार करेगी। उस तो बाद फिर जिहड़ा असी मैं इहनू इहनां नूं बच्चों स्कूल छोड़ के आऊँगा ते हुण असी सारे बैठ के जिहड़ा ना नाश्ता करांगे, क्योंकि बच्चों के नाल अगर नाश्ता ना किया जाए तो बच्चे कहिंदे कि सुबह सानूं भुख नहीं लगती हैगी, असी रोटी कोई नहीं खानी हैगी। इस वजह तो जिहड़ा ना बच्चों के नाल ही बैठ के नाश्ता असी करते पए हां। ते हुण बेगम की ड्यूटी होंदी है सुबह सुबह के उठ के साजरे जिहड़ा ना बच्चों वास्ते तैयारी करनी। उमार जिहड़ा अपनी तैयारी खुद करता वा ते मैं सुबह अपनी खुद ही सारा कुछ कंघी शंघी ते अपनी तैयारी कर लैंदा। जिहड़ी अदन आ इहदी तैयारी इहदी मम्मा करके दिंदी है, क्योंकि पौनी वगैरह पानी हुंदी आ, इस वजह तो अदन जिहड़ी आ इसकी मम्मा इहनूं तैयार करदी आ। सुबह मैं बैठ के नाश्ता करदा पिया सी ते मैं एक कप चाय दा लिया ते नाल एक पराठा लिया ते उस तो बाद मेरे को उमार आ गया। उमार ने कहा पापा तू बैठा वा ते तू कंघी कोई नहीं की हैगी, मैं तेरी कंघी करदा। उमार बेटा जदों देखो मेरे वाल वांदा रहिंदा मेरी कंघी करदा वा। उमार मेरा बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखदा वा ते बहुत मैनू उमार प्यार करदा वा। चलो जी हुण कंघी हो जाएगी ते तुहानू दिखाउने आ कि किस तरह की इहने कंघी कीती है। देखो जी एक पराठा सुबह दे नाश्ते च, एक कप चाय और एक अचार दा पीस, ठीक है ना, अंब दा, ते इस दे नाल मैं बैठ के नाश्ता करूँगा। जी नाश्ता मैं कर लिया ते हुण मैं पानी भी घर ख़त्म होया सी, वह भी मैं लिया के रख दिता। बच्चों नूं भी मैं स्कूल छोड़ आया ते हुण मैं जा रहा गाँव, उत्थे जाके बाजरा वगैरह बीजना। ते हुण क्योंकि उस दिन मैं गया सी पानी वगैरह खेत नूं ला के आ गया सी, ते आज मैं जाऊंगा जाके जिहड़ा ना वह बाजरा बीज के आऊंगा। ते होर तो कोई चीज़ घर दी नहीं रहिंदी हैगी, कोई पाऊ वगैरह। हाँ जी मैं शाम तो मैं आ जाना, लेकिन फिर भी मैं क्या भी पूछ लवा भी कोई कुछ सब्जी वगैरह कोई चीज़ ऐसी जिहड़ी है ना वह लैके आनी हो ते मैं हुण दे जां, क्योंकि मैनू शाम हो जानी है। ते दूसरी गल हैगी है कि मैं लेइए भी जाना वा ते हाँ उधरों ही मैं पहले लेइए जाऊँगा, लेइए एक दोस्त का काम। नहीं नहीं मैं इस वक्त मैं तुहानू दस दाना कि सब तो पहले तो हुण मैं जाऊँगा लेइए, लेइए एक छोटा जिहा काम आ, लेइए काम करके तो फिर मैं सीधा अपने चक च जाऊँगा, क्योंकि लेइए तो जिहड़ा ना बरासता साढ़े यानी कि फतेहपुर में एक सड़क निकलती है शार्ट विच भी चक विच दी, तो उस रस्ते मैं जिहड़ा ना अपने चक जाऊँगा। तो तकरीबन साढ़ा इत्थों 26 किलोमीटर जिहड़ा ना वह लिया वा ते 20 किलोमीटर साढ़ा के चाका लिए तो ठीक है ना। ये सारा सफ़र मैं करूँगा, उस तो बाद ट्रैक्टर ने हल मार दिते आ, जाके मैं ड्रिल करवाऊँगा ते बाजरे का बीज वगैरह भी लैना वह भी जाके लैना मैं। तो ये सारे काम से जोड़े मैं अपने भैन भरावों ना शेयर करने से दसना सी। तो नाल एक होर गल भी करता पाया वो ये कि साढ़े लिए दुआ करो कि साड़ी फसल अच्छी हो, ठीक है ना, साड़ी फसल अच्छी होगी इंशाल्लाह ते असी खुशहाल होवांगे। ते हाँ जी तुसी कोई गल कहनी है? चलो जी एक एकड़ दा बाजरा सही है। चलो जी अज एक एकड़ा, कल दो होगा, परसों तीन होगा, यानी कि आस्ता आस्ता बंदा ठेके ते पहले ही लै लैंदा, उस ज़्यादा पैलियाँ लै लैंदा उसनों ज़्यादा, यानी कि जिहड़ा ना हिस्से ठेके ते लैके ते फिर जिहड़ा वह ज़्यादा फसल काश्त कर लेंदा। लेकिन कहने होंगे बहुती तो थोड़ी नहीं होंगी, थोड़ी तो बहुती हो जाती है। चलो जी हुण मैनू दिओ इजाजत, मैं हुण चलदा। जिहड़ा सामने साइन बोर्ड नज़र आता उतों लिया शुरू हो जाता। मैं जी हूँ इस वक्त जिहड़ा ना लिया शहर के तकरीबन पहुँचने वाला वा, तो एडमिशन खत्म हुई है तो हूँ अगे शुरू। इंशाल्लाह जी यह जी डबल रोड डबल सड़क आ ना ये एक ना एक दिन साढ़े यानी कि चौक आलम तक पहुँच जाएगी। तो असी तो दुआ करते हैं कि जल्दी जड़ा ना बन जाए। ये थोड़ी जी सड़क बनी है तो बाकी हजे बनती पई है
तो फिर लिया जाना सौखा हो जाएगा। मैं लिया शहर इस वक्त पहुँच गया, यह इवेंट होटल आ ते इवेंट रेस्टोरेंट ते इस दे करीब पहुँच गया, ते हुण तकरीबन लिया बिल्कुल शहर शुरू हो गया इत्थों। यह जी साढ़े लिया का स्टेट लाइफ का हेड जोन दफ्तर, तो जिदे सामने मैं खड़ा वा, तो ये नाल जी ना एक नहर चलती है जी। लिये मैं पहुँच गया तो हूँ मैं इतने बीमे की किस्त जमा करवाना, बीमा पॉलिसी से किस्त जमा करवा के तो फिर मैं अपने जाऊँगा गाँव। तो इस वक्त मैं लिये खड़ा वा, तो हूँ चेक करते हैं कि किन्नी बाई की किस्त आ, वो किस्त जमा करवा के तो फिर अगे जावे। 29,800 रुपए किस्त सी जिहड़ी मैं जमा करवा दी है, तो तकरीबन हूँ जिहड़ा चाहने अपने घर। अच्छा जी, लिया जिहड़ा वो इस तो पिछे रह जाता, हूँ असी जिहड़ा अपने गाँव की तरफ जिहड़ी है साड़ी लिंक सड़क जिहड़ी जाती है फतेहपुर नू, उस सड़क पर मैं हूँ अपने गाँव जा रहा। यह देखो लिये तो लैके टेल इंडस तक जरा ना कि जबरदस्त गन्ने की फसल, सारा गन्ने के खेत आ। इस वक्त मैं टेल इंडस से पहुंच गया, टेल इंडस तो मैं DAP लूँगा। तकरीबन ड्रिल वाले भाई ने आख्या सी कि 20 किलो जी है ना वो DAP लैनी है, उहदे नाल केरा होएगा आसानी हो जाएगी, तो इस वजह तो बीज मैं अपने जाके गाँव चो लूँगा जी। मैं हूँ इस वक्त पहुँच गया 104 TDH, इतने साढ़े गाँव की आड़त आ, इतों असी बीज वगैरह लैने, इतों बीज लैंना मैं बाजरे का, बाजरे का बीज तकरीबन मैं 1 एकड़ का, कुछ लोग जड़े आ वो 4 किलो भी पाते, 3 किलो भी पाते, 2 किलो भी पाते, तो मैं इतों 4 किलो जड़ा ना 4 KG जड़ा ना वह बीज लिया वा। ये जी पैकिंग हैगी है 2-2 किलो की, तो 2 थैलियाँ सी। मैं फिर भाई आख्या मैं कि तुसी इस तरह करो कि मैनू ना ये 1 थैली 1-1 किलो कर दो, ताकि इतने तो कंडा हैगा तो वजन हो जाएगा, ताकि अगर ड्रिल वाले भाई ने आख्या कि 3 किलो ही बहुत आ, तो फिर मैं 3 किलो ही करवाऊँगा, ये बीज जड़ा ना फिर मैं 1 किलो वापस लै जाऊँगा। तो इस वजह तो मैं इसकी 1 थैली पैक रहन दिती है, 1 थैली मैं 1 किलो करवा ली है, हूँ मैं लैके चलता हूँ। हाँ जी, सुबह खेत जड़ा ना मैं बुआ दिता सी, ते हल जड़े वख गए, हुण तुसी देख सकते हो हुण ड्रिल वाला आंदा ते वो आके जड़ा ना ड्रिल करेगा। तकरीबन इस टाइम मेरे को 4 दा टाइम हो गया, शाम हो गई है, सियाने कहंदे हुंदे आ कि शाम वेले जड़ा ना ड्रिल करनी चाहीदी है। तो मैं बाजरे का बीज तो खाद वगैरह वो सामने देखो मैं लिया के रख दिती है, तो हूँ गड्डी वाला आएगा तो वह इंतज़ार करता पाया, तो फिर मैं ड्रिल करवाना। ड्रिल करन वास्ते ट्रैक्टर वाला भाई आ गया, तो ये असी जड़ा ना 102 चों मंगवाया ना, तो क्योंकि ड्रिल बहुत जबरदस्त घेरदा वा, तो यदा रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा वा। कहिंदे आ कि इंसान नूं मेहनत करनी चाहीदी है, बाकी फल फुल लाने वाला अल्लाह ताला दी ज़ात आ, इंसान नूं चाहीदा कि अपना मेहनत करे, बाकी अल्लाह दे हवाले। ट्रैक्टर शुरू है जी, मैं जिहड़ी उहनां दे हलां 'च मिट्टी वगैरह फसदी आ मैं उह कढ दिंदा जदों इधरली साइड ते आउंदा। सौन भादों दा महीना वा, तो इस करके ना गर्मी बहुत ज़्यादा वा, तो हबस बहुत ज़्यादा हुई हुई है क्योंकि बारिशां हो के हटियां ने इस वजह तो। मेरा एक छोटा जिहा क्लिप आ, उम्मीद है कि यह पसंद आएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लिप आ, तो तिल की फसल मैं दिखाना चाहता सी वो मैं दिखाई आ। सारी ड्रिल जिहड़ी है ना मुकम्मल हो गई आ, देखो किन्ना खूबसूरत खेत लगता वा ना, मुकम्मल 1 एकड़ जिहड़ी है ना ड्रिल हो गई आ, ते बाजरा बीज दिता, हुण असीं इहदे कढ़ांगे बन्ने,
बन्ने काट के तो साढ़ा खेत मुकम्मल हो जाएगा। ये ही असं अपने देखने वाले भैन भरावों तो इजाजत लवेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के नाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, सानू ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।